हेलो फ्रेंड्स, डीएल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं राकेश सर इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर के मशीन सेकंड के बुक के सिलेबस को परिचित कराने आया हूं, इंट्रोड्यूस कराने आया हूं। तो आइए यहां पे इसके सिलेबस के बारे में जानते हैं एक एक टॉपिक करके। तो आइए देखते हैं आपके मशीन सेकंड जो कि इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर की बुक है, इनमें आपके चार चैप्टर हैं। पहला चैप्टर आपका थ्री फेज इंडक्शन मोटर है जो कि प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरा चैप्टर आपका सिंक्रोनस मशीन है जो कि एक नियत चाल पर चलने के कारण इसका नाम सिंक्रोनस मशीन रखा जाता है। इस चैप्टर में दो टॉपिक हैं आपके। पहला सिंक्रोनस जनरेटर जिसे अल्टरनेटर भी कहते हैं, यह ईएमएफ को जनरेट करता है एक नियत स्पीड फिक्स्ड स्पीड पर, इसलिए इसे सिंक्रोनस जनरेटर या अल्टरनेटर कहते हैं। दूसरा टॉपिक आपका है सिंक्रोनस मोटर, नियत चाल यानी फिक्स्ड स्पीड पर चल करके ये टार्क को जनरेट करता है, बलाघूर्ण को जनरेट करता है, इसीलिए इसे सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। तीसरा सिंगल फेज मोटर, एकल कला मोटर जो कि एक फेज की सप्लाई पर चलता है, इसीलिए इसे सिंगल फेज मोटर कहते हैं। तथा इसकी जो क्षमता है वो फ्रैक्शन यानी भिन्न में होती है, जो कि बहुत कम क्षमता होती है, इसीलिए इसे फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका होगा स्पेशल पर्पज मशीन का, जो कि कुछ स्पेशल जगहों पे यूज किया जाएगा, इसे इसलिए स्पेशल पर्पज मशीन के नाम से जाना जाता है। तो आइए दोस्तों, अब इन सभी चैप्टर के सिलेबस के बारे में डिटेल इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो पहला चैप्टर आपका इंडक्शन मोटर जो कि थ्री फेज पे चलता है, प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसीलिए इसे थ्री फेज इंडक्शन मोटर कहते हैं, प्रेरण मोटर कहते हैं। तो इसके सिलेबस के अंतर्गत आपको इस मशीन की संरचना, इसके कार्य सिद्धांत दैट्स मीन वर्किंग प्रिंसिपल इत्यादि के बारे में जाना जाएगा, और उसी के साथ साथ इस मशीन की टेस्टिंग जो कि आपके ब्लॉक रोटर टेस्टिंग और नो लोड टेस्टिंग होगी, साथ में इस मशीन को कैसे स्टार्ट किया जाएगा, उसके वोल्टेज के मान को नियत करके फिक्स करके कैसे स्टार्ट करेंगे, उसके लिए हम स्टार्टर का प्रयोग करते हैं जो कि DOL स्टार डेल्टा और ऑटो ट्रांसफार्मर टाइप स्टार्टर होगा। इन चीजों के साथ साथ ये मोटर में टार्क इक्वेशन बलाघूर्ण समीकरण कैसे निकाला जाएगा, इनमें जो लॉसेस होंगे कॉपर लॉस, आयरन लॉस, हिस्टेरेसिस, ईडी, फ्रिक्शन इत्यादि चीजों के बारे में जाना जाएगा। साथ ही साथ इनका स्लिप वैल्यू क्या है, स्लिप किसे कहते हैं, कैसे निकाला जाता है, इनके बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा। और अंत में इस मोटर की स्पेसिफिकेशन क्या क्वालिटी है और इन्हें किन जगहों पे यूज किया जाता है, किन जगहों पे प्रयोग करते हैं, इसको भी इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा। तो अगला चैप्टर आपका आता है सिंक्रोनस मशीन, तुल्यकाली मशीन। यह एक नियत गति पर चलते हुए ईएमएफ जनरेट करता है, टार्क जनरेट करता है, इसीलिए इसे सिंक्रोनस मशीन कहते हैं। इसमें दो टॉपिक आपका जो कि पहले बताया गया है, पहला है अल्टरनेटर जो कि ईएमएफ को जनरेट करता है एक नियत चाल पर, इसीलिए इसे सिंक्रोनस अल्टरनेटर या जनरेटर कहते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर, जिनमें इसकी संरचना मतलब कंस्ट्रक्शन, इसके कार्य सिद्धांत वर्किंग प्रिंसिपल और इसके ईएमएफ इक्वेशन, ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल समीकरण को समझा जाएगा, डेरिवेट किया जाएगा, और साथ ही साथ इसके कॉइल स्पिन फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को भी ज्ञात किया जाएगा। इसी के साथ साथ इस चैप्टर के दूसरा टॉपिक जो कि सिंक्रोनस मोटर है, उसमें उसके जो स्टार्ट करने की विधियां हैं, मोटर को कैसे स्टार्ट करते हैं, ये वी कर्व कब बनाता है, किन दो तत्वों के बीच, किन दो एलिमेंट्स के बीच में बनाता है, और साथ ही साथ ये सिंक्रोनस कंडेंसर कब कहलाता है, इनके क्या फायदे हैं, कहाँ पे ये मोटर यूज किया जाता है, ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। तो अगला चैप्टर आपका आता है सिंगल फेज मोटर, एकल कला मोटर जो कि एक फेज की सप्लाई पर चलता है, इसीलिए इसे एकल कला मोटर कहते हैं, और ये इसकी क्षमता फ्रैक्शन मतलब भिन्न में होती है, इस वजह से इसे फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर के नाम से भी जानते हैं। तो इस मोटर के कंस्ट्रक्शन यानी इसकी संरचना
इसका वर्किंग प्रिंसिपल यानी कार्य सिद्धांत इत्यादि के बारे में समझा जाएगा, साथ ही साथ इसका एप्लीकेशन किन जगहों पे ये प्रयोग किया जाता है और इसके साथ इनके जो वेराइटीज़ हैं, जो विभिन्नताएं हैं और इन विभिन्नताओं के आधार पर अलग अलग मोटर सिंगल फेज के बनाए जाते हैं, वो इस प्रकार हैं कि वो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर होगा, यानी उनको स्प्लिट किया जाएगा अलग अलग करके, जिनके प्रकार हैं कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन और कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन, ये आपके स्प्लिट पर निर्धारित होंगे। साथ ही साथ इन्हीं सिद्धांतों पर सैडेड पोल मोटर, एसी सीरीज मोटर तथा यूनिवर्सल मोटर कार्य करते हैं, जिन्हें पढ़ा जाएगा इस चैप्टर में। अगला, सिंगल फेज मोटर के अंतर्गत ही एक सिंक्रोनस मोटर भी आता है, जो एक फिक्स्ड स्पीड पर नियत चाल पर चलता है। जो दो मोटर होते हैं, रिलक्टेंस मोटर और हिस्टेरेसिस मोटर, एक नियत चाल पर चलने के साथ साथ इनमें जो आवाज की प्रॉपर्टी है, नॉइज कैंसलेशन है, वो बढ़िया होता है। इस वजह से इनको टेप रिकॉर्डर्स में भी यूज किया जाता है। तो ये रहा ये चैप्टर। अगला टॉपिक होगा आपका, अगला चैप्टर होगा स्पेशल पर्पज मशीन। ये मशीन एक विशेष स्थितियों में, स्पेशल कंडीशंस में यूज की जाती है, इसी वजह से इसे स्पेशल पर्पज मशीन के नाम से भी जाना जाता है। अगला इस टॉपिक होगा इसमें कंस्ट्रक्शन यानी इसकी संरचना, वर्किंग प्रिंसिपल, कार्य सिद्धांत और इन्हें कब किन जगहों पे यूज किया जाता है, इस आधार पर ये तीन प्रकार के आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया है, परिचित किया गया है, जो कि स्टेपर मोटर है, दूसरा एसी सर्वो मोटर और समर्सिबल मोटर। तो दोस्तों ये रहा आपका थर्ड ईयर मशीन सेकेंड का सिलेबस, हर एक चैप्टर के टॉपिक वाइज। आगे जब भी हम लोग लेक्चर में मिलेंगे, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में बात किया जाएगा, एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए, आपका कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। साथ ही साथ आपको इसे नोट करने की भी समस्या नहीं रहेगी, इसका पीडीएफ इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड किया जाएगा, जहां से आप आसानी से नोट कर सकेंगे, समझ सकेंगे, जिसके लिए अगर कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा और डाउट सेशंस भी होंगे, हर एक चीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा, बस आप हम लोगों के साथ बने रहिए। इन चैप्टर्स को समझाते समय, बताते समय साथ में इनके न्यूमेरिकल्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और हर एक डाउट को दूर किया जाएगा। दोस्तों डीएल एकेडमी की तरफ से इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स और एजी सारे सब्जेक्ट्स के क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे, बस आप लोगों का प्यार दुलार और स्नेह हम लोगों के साथ बना रहे। धन्यवाद, धन्यवाद।